नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा की नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र और 15वीं विधानसभा के लिए सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ले ली है। सीएम नायब सैनी ने तीसरी बार विधायक पद की शपथ ली है। अनिल विज ने सातवीं बार सदन में विधायक पद संभाला है, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने छठी बार विधायक पद की शपथ ली है। 40 विधायकों ने पहली बार विधायक पद की शपथ ली है। 40 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। इसके साथ ही 15वीं विधानसभा के लिए सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ले ली है। 40 विधायक जिन्होंने पहली बार विधायक पद की शपथ ली है, तो सीएम नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार, अनिल विज ने सातवीं बार विधायक पद की शपथ ली, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने छठी बार विधायक पद की शपथ ली है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब तीसरी बार विधायक पद की शपथ ली, अनिल विज कैबिनेट मंत्री और इन्होंने सातवीं बार विधायक पद की शपथ ली है, तो कृष्णलाल पवार कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने छठी बार विधायक पद की शपथ ली, चौथी बार विधायक पद की शपथ ली है राव नरबीर ने, तो महिपाल ढांडा कैबिनेट मंत्री जिन्होंने तीसरी बार विधायक पद की शपथ ली और दूसरी बार विधायक पद की शपथ ली है विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री ने। तो विधायक पद की शपथ लेते हुए यहां पर आप सभी को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री जिन्होंने 15वीं विधानसभा के लिए विधायक पद की शपथ ली है। देखिए, सुबह से ही हरियाणा न्यूज आपको पल पल की अपडेट तो पहुंचा ही रहा था, पूरे सत्र की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, लाइव सेशन हमने आपको पूरा दिखाया है और ये कुछ और तस्वीरें आप देख रहे हैं जब डॉक्टर अरविंद जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, जब उन्होंने विधायक पद की शपथ ली है और दूसरी बार विधायक पद की शपथ लेते आए नजर श्याम सिंह राणा। इसी तरह से रणबीर गंगवा, तीसरी बार उन्होंने विधायक पद की शपथ ली है। और चौथी तस्वीर में आप कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को देख रहे हैं। कृष्ण बेदी ने दूसरी बार विधायक पद की शपथ ली और इसी तरह से श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी को आप देख रहे हैं जिन्होंने पहली बार विधायक पद की शपथ ली है। इसी तरह से पहली बार विधायक पद की शपथ लेने वाले नामों में कैबिनेट मंत्री आरती राव का नाम भी है, राजेश नागर जिन्होंने दूसरी बार विधायक पद की शपथ इस दौरान ली। इसके साथ ही राज्य मंत्री गौरव गौतम सबसे आखिर तस्वीर में आप देख रहे हैं जिन्होंने पहली बार विधायक पद की शपथ ली है। तो ये 8 तस्वीरें आज विधानसभा सत्र के दौरान की। मैं नायब सिंह जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अनिल विज जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। कृष्णलाल कुमार जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं नरवीर सिंह जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची
भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं महिपाल ढांडा, जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं विपुल गोयल, जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। सीधे रुक करेंगे अपराजिता श्री का। अपराजिता, 15वीं विधानसभा का शपथ सत्र हम सभी ने देखा, सभी विधायक शपथ ले चुके हैं, अब आगे और क्या? अपराजिता की आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा संपर्क हम उनसे साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरह से सभी विधायकों ने विधायक पद की शपथ ली है। हरियाणा की नई सरकार का यह पहला विधानसभा सत्र रहा, सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले चुके हैं, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, अनिल विज और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुडा ने भी शपथ ली है। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि 40 विधायकों ने पहली बार विधायक पद की शपथ ली है और इस बार खास बात यह है कि पिछले टर्म के मुकाबले इस बार महिला विधायकों की संख्या ज्यादा है, यानी कि पिछले टर्म से अगर कंपेयर करें तो ज्यादा महिला विधायक जो है इस बार चुनके आई है। और विधानसभा के अध्यक्ष ने सभी महिला विधायकों का अभिनंदन किया, इस बात की तारीफ उन्होंने की कि पिछली बार से ज्यादा महिला विधायक हैं। इसके साथ ही सभी विधायकों ने विधानसभा के अध्यक्ष का धन्यवाद किया, उनका वेलकम भी किया और सभी कहीं ना कहीं ये बात कहते नजर आए कि कोशिश सभी की यही रहेगी कि विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से और बेहद अच्छे से चलाया जाए, जनता के तमाम मुद्दों को विधानसभा सत्र में उठाया जाए, ये तमाम विधायक जो हैं ये बात कहते नजर आए। चलिए, मेरी सहयोगी अपराजिता जुड़ गई है मेरे साथ। अपराजिता, और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं अगर शुरुआत से अंत तक बताती हूँ किस तरीके का सेशन रहा, तो सबसे पहले जिस तरीके से विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की हुई है, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के जो चर्चाएं हुई थी, नाम कहीं ना कहीं यहाँ पर आखिरी मोहर उस बैठक में लगा दी और जिस तरीके से हरियाणा न्यूज की हम कह सकते हैं कि नामों पर मोहर लगता हुआ यहाँ पर नजर आया है, जिन नामों को हम लगातार कल जिसके बाद 11 बजे सेशन स्टार्ट हुआ, जो स्पेशल सेशन था, 15वीं विधानसभा का पहला विधानसभा सत्र था, शुरुआत हुई, जिसमें प्रोटेम स्पीकर यानी जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे रघुवीर कादियान की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले राज्यपाल के सामने उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली, यानी बतौर प्रोटेम स्पीकर उन्होंने शपथ ली, जिसके बाद फिर वो सेशन में पहुंचे थे। सेशन में शुरुआत हुई, सभी 90 जो विधानसभा के जो विधायक हैं उन सभी ने यहां पर गोपनीयता की शपथ ली और वचन लिया कि किस तरीके से तमाम चीजें वो करते हुए नजर आएंगे, तमाम चीजों की उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली, जिसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हुई, यानी स्पीकर की अगर हम बात करते हैं तो हरविंदर कल्याण की बात की जाए तो
जिसके नाम की भी चर्चाएं हो रही थी, तो उनके नाम को चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा प्रपोज किया गया, ध्वनि मत से उसका समर्थन हुआ और उन्हें फिर स्पीकर नियुक्त किया गया, उन्हें स्पीकर बनाया गया, कुर्सी पर बिठाया गया। कुर्सी पर बिठाने की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत मजेदार है सृष्टि, जिस तरीके से अगर हरविंदर कल्याण की हम बात करते हैं, स्पीकर बनाए गए हैं तो जब उन्हें लेने के लिए गया तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, महिपाल ढांडा हो जाए, कई और जो मंत्री हैं वो सभी उनको लेने गए थे और चेयर तक उन्हें सभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कुछ मंत्री भी साथ में मौजूद थे, अनिल विज मौजूद थे, इसके साथ साथ जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो भी उनको चेयर पे बिठाया गया, जिसके बाद फिर अनिल विज जो कुर्सी है, जो चेयर है, वहां से नीचे उतर कर आए और एक हमला करते हुए नजर आए विपक्ष पर कि विपक्ष का कोई भी नेता नहीं आया सदन के जो नेता होते हैं उन्हें कुर्सी पर बिठाने के लिए, जिस पर विवाद कहीं ना कहीं छिड़ता हुआ नजर आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नाराजगी जताते हुए नजर आए कि हमें किसी ने इनविटेशन नहीं दिया, अनिल विज के द्वारा कहा गया कि आपको स्वयं आना चाहिए था, हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उठाने के लिए आए, उनके साथ आए वापस से फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद और भी कुछ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो पहुंचे और वापस से उन्हें वेलकम किया गया, उनका उनके साथ हाथ मिलाया गया और उन्हें बधाई दी गई, स्पीकर को बधाई दी गई, जिसके बाद सभी कांग्रेस के नेता पहुंचे और उनको एक एक करके बधाई दिया गया, जिसके बाद फिर एक संबोधन शुरू हुआ, यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना संबोधन शुरू किया और बताया कि किस तरीके से क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से अरविंद कल्याण को स्पीकर की जो नियुक्ति उनकी हुई है, क्या कारण रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, एक डिसिप्लिन विधायक है वो, तमाम चीजों को कहते हुए नजर आए और साथ ही कई और चीजों का भी जिक्र किया, जिसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा संबोधन था वो स्पीकर पर होना चाहिए था, मगर ये खुद के सरकार के बारे में, खुद के बारे में यहाँ पे कहते हुए नजर आ रहे हैं और फिर वो अपने वो फिर बैठ गए, जिसके बाद फिर अनिल विज की बारी आई, अनिल विज ने भी कहा कि विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आए कि विपक्ष को जो जनता है हरियाणा की उसने काट दिया है, विपक्ष यानी कांग्रेस को उन्होंने नकार दिया है, काट दिया है, जरूरी है कि कांग्रेस भी इस चीज को समझ ले और मान ले, अपनी हार को माने, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो अपने हार का ठीक रहा कभी ईवीएम पर फोड़ती हुई नजर आ रही है, वही कुछ नेता कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुछ और नेता पर देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के अनिल विज के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस अपनी हार को मान ले क्योंकि हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया है, जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़कते हुए नजर आए और कहा कि अगर सदन की कार्रवाई इस तरह की रहने वाली है तो हम वॉकआउट कर सकते हैं, हरविंदर कल्याण को कहा गया, स्पीकर को कहा गया कि हम वॉकआउट कर सकते हैं, जिसके बाद फिर कोशिश की गई तमाम चीजों को शांत करवाने की, जिसके बाद सभी मंत्रियों का संबोधन हुआ स्पीकर को लेकर के, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और साथ में और भी जो नेता थे सभी के द्वारा संबोधन किया गया, जिसके बाद फिर सत्र खत्म हो गया और साथ ही अगर कृष्ण बिड़ला की हम बात करते तो उन्हें डेप्टी स्पीकर नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपराजिता सही कहा, यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा, पूरा सेशन हमने देखा और किस तरह से तमाम विधायक जब अपनी अपनी बात या यूं कहे विधायक भाषण जब वो देते हुए नजर आ रहे थे तो अध्यक्ष से खासतौर पर सभी विधायकों ने, खासतौर पर अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो अध्यक्ष का वेलकम तो किया, उनको बधाई तो दी, लेकिन इसके साथ जो हर बार एक मांग होती है वो मांग सभी विधायक करते नजर आए कि समय विपक्ष के विधायकों को थोड़ा ज्यादा दिया जाए, विपक्ष के विधायकों की थोड़ी ज्यादा सुनी जाए। बिल्कुल देखिए, और नू के अगर विधायक की हम बात करते हैं, आफ्ताब अहमद की अगर हम बात करते हैं, तो जब उन्होंने संबोधन किया था स्पीकर को तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष को भी कहने का मौका दिया जाए सदन में, और साथ ही जो जिम्मेदारियों की अगर बात की जाती है, यानी किसी प्रकार की कोई कमेटी का अगर गठन होता है तो नंबर्स तो इक्वल हो ही, यानी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात करें या और भी दल की बात करते हैं तो उनके नंबर्स तो इक्वल हो, साथ में उन्हें उसका चीफ बनाने का भी कांग्रेस को किसी में मौका मिलना चाहिए, तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक उम्मीद है कांग्रेस को और कि किस तरह से जो स्पीकर होंगे जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो पूरी तरीके से कांग्रेस को इक्वली के यहाँ पे बात अपनी रखने का मौका दिया जाएगा, जो आवाज उठाना चाहते हैं अपनी जनता का वो यहाँ पर रखने का मौका दिया जाएगा, इस तरह की चीजें बिल्कुल उनके द्वारा कहा गया और बिल्कुल कहा गया है कि सही हमें समय दिया जाए, कमेटी अगर गठित की जाती है तो हमें वहां पर इक्वली प्रोपोर्शन में हमें वहां पर भागीदारी मिले और साथ ही कुछ कमेटियों में हमें भी प्रेसिडेंट वहां पर बनाया जाए, इस तरह की चीजें बिल्कुल कहते हुए नजर आए। हालांकि अगर अनिल विज को हमें जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, हम सभी ने सदन देखा, सदन की कार्रवाई देखी, तो किस तरीके से अनिल विज कहते हुए नजर आए हैं कि मैं वो नेता हूं 2004 से 9 की
जैसा कि वो जिक्र करते हुए नजर आए कि सबसे मैं ही वो विधायक हूँ जिसे सबसे ज्यादा सदन से बाहर रखा गया है। तो इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई है जिसपे भी वापस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़कते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं कुशासन कह सकते हैं कि जिस तरीके से अनिल विज के द्वारा एक इशारा किया गया था किस तरीके से कांग्रेस सरकार में कुशासन हुआ करता था, वहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है, जब स्पीकर बनाया गया, नियुक्त किया गया, तो ये सुशासन की ये सरकार है। बिल्कुल। और देखिए पराजिता, यहाँ पर स्पीकर चुने जाने का जिक्र अगर हम करें या फिर डेप्यूटी स्पीकर चुने जाने का जिक्र हम करें, हालांकि पहले डेप्यूटी स्पीकर को लेकर थोड़ी खामोशी हो गई थी, जल्द ही नाम सामने नहीं आया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का नाम सामने आया। ऐसे ही अगर हम अध्यक्ष पद की बात करें तो कहीं ना कहीं हरविंदर कल्याण को जिस तरह से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कुछ इसके पीछे की खास वजह मानी जाए? खासतौर पर अगर स्पीकर हरविंदर कल्याण की बात की जाए तो घरोंडा से देखिए वो चुनकर आए हैं, तीसरी बार चुनकर आए हैं, इसके साथ ही मनोहर लाल का करीबी भी उन्हें माना जाता है, और इसके अलावा और क्या कुछ खास वजह जो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो चयन हुआ है उसके पीछे की मानी जाए? मोदन में करते हुए नजर आए, किस तरीके से तीन बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विश्वास पर जीतते हुए नजर आए हैं, तीन बार वो विधायक बन चुके हैं। वही बात की जाए अगर उनके विधानसभा में जिस तरीके का डिसिप्लिन वो मेंटेन के रहते हैं कि माहौल बनाने में वो बहुत बेहतरीन है, तो इन सभी कारणों की वजह से कहीं ना कहीं जिस तरीके का एक एबिलिटी होती है एक बेहतरीन लीडर का, एक बेहतरीन स्पीकर का उनके अंदर एबिलिटी, और साथ ही जिस तरीके से महिपाल लाला भी कहते हुए नजर आए, चाहे वो कृष्ण मिड्डा हो जाए या फिर हरविंदर कल्याण हो जाए, दोनों के अंदर ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, यानी अपने सीनियर से बहुत बेहतरीन तरीके से वो सीखते हैं। यानी अगर हम बात करें 2014 के स्पीकर की बात की या 2019 के स्पीकर की बात करते हैं, तो उनसे सीख करके वो और आगे बेहतरीन तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे। तो सभी चीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि जिस तरीके से कहा भी जाता है कि वो टीचर वही अच्छा होता है जो तो स्टूडेंट बेहतरीन होता है, तो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से एक बेहतरीन लीडर की तरह वो सीखेंगे, जिसके बाद ही वहाँ पर एग्जीक्यूटिव सबसे बना जा रहा है। जिन तमाम चीजों को देखा गया जिसके बाद स्पीकर और जिस टीचर की नियुक्ति की गई और साथ ही उनके स्वभाव को देकर के, उनके डेडिकेशन को देकर के, किस तरीके से उन्होंने कामकाज किया है, सभी चीजों को देखते हुए बाद ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की गई है। बिल्कुल। अध्यक्ष को हम सुन रहे थे अपराजिता इस दौरान, एक बात पर जब उन्होंने गौर किया, महिलाओं का जिक्र करते हुए या महिला विधायकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले टर्म के मुकाबले इस बार महिला विधायकों की संख्या ज्यादा है और इसके लिए उनका अभिनंदन करते नजर आए और स्वागत किया कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का। कुछ महिलाओं की जो संख्या थी और इस बार करीब 13 के आसपास की संख्या है महिलाओं की, तो जो प्रपोर्शन है वो काफी बढ़ा है, मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा भी कहा गया और इसके बाद फिर स्पीकर के द्वारा भी कहा गया, तो बिल्कुल अध्यक्ष के द्वारा भी, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया है। तो महिलाओं के प्रपोर्शन को लेकर के जिस तरीके से बधाई दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की अगर हित में कोई चीज अगर बनानी है, सोचनी है, करनी है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उससे जो जब महिलाओं की सोच भी उस डिसीजन में इक्वली भागीदारी रहे, तभी एक बेहतरीन डिसीजन बन पाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर विधानसभा में जिस तरह से कोई भी डिसीजन अगर महिलाओं के जरिए लिया जाता है और महिलाओं की संख्या यहाँ पे अच्छी खासी है, तो एक संख्या यहाँ पे अच्छी बेहतरीन यहाँ पर चीजें डिस्कस की जाएगी, पास की जाएगी, जो महिला के हित में होगी, तो बिल्कुल उसका वर्णन भी यहाँ पर अध्यक्ष करते हुए नजर आए। अपराजिता, अभी आगे और हमें क्या देखने को मिलेगा सत्र के बारे में ही अगर आप जानकारी दे तो? इसके साथ ही विपक्ष का नेता, उसको लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए विपक्ष के नेता की अगर हम बात करें, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की गई जिसके बाद उनके द्वारा कहा जा रहा है कि चाहे समय क्यों ना लग जाए, काफी समय लग जाए, 4-5 दिन और क्यों ना लग जाए, मगर एक सबसे बेहतरीन नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा जिसके लिए समय लिया जा रहा है। हालांकि एक और बहुत अहम रीजन भी जिस तरीके से नेता देते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के नॉमिनेशन का तारीख था, जिसके बाद फिर और भी जिस तरीके से सीईसी की बात कर ली ज्यादा हो गई है, इस वजह से नेता प्रतिपक्ष चुनने में देरी हो रही है। हालांकि कोई देरी की बात नहीं है, रिपोर्ट सबमिट किया जा चुका है, जो भी फैसला राहुल गांधी लेते हुए नजर आएंगे वही फैसला होगा। हालांकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो फैसला है वो पूर्णता हम कह सकते हैं कि शेष नेतृत्व पर ही डिपेंड करता है। साथ ही देखिए एक और अहम चीज हो जाती है, हालांकि नेता प्रतिपक्ष नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विपक्ष दल के नेता नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मगर जब बारी आई चेयर पर बिठाने की, अध्यक्ष को बिठाने की जब बारी आई चेयर पर, तो सबसे आगे तो नाराजगी जताई गई है और मुख्यमंत्री
साथ ही सैनिक जब आए सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा के पास ही आए हैं और उन्हें लेकर गए थे, सम्मान से लेकर गए थे और अध्यक्ष को कुर्सी जब उठाते हुए नजर आए हैं। अगर हम जुबानी बोलबाले की भी देखते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात देखते हैं, तो जिस तरीके से कांग्रेस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हुए भूपेंद्र हुड्डा नजर आए, मगर अब भी फैसला हम कह सकते सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कौन जीता, क्यों समय लगाए रही है शिक्षक को, तो क्या सोच रही है और क्यों समय लगा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप जयप्रकाश जिस तरीके से सांसद हैं जयप्रकाश के बेटे विकास की तरह बात करते हैं, पहली बार विधायक चुनते आए हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि बिल्कुल भूपेंद्र हुड्डा हमारे नेता हैं उनके वही आएंगे, और भी कुछ नवनिर्वाचित विधायकों की बात करते तो उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम 35 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के फेवर में वोट डाला है, राय डाली है, कहा है जब ऑब्जर्वर्स न्यूज हुए थे आए थे, तो अगर इस तरह की जो हम कह सकते हैं कि बहुमत कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है, उसको क्यों शीर्षक से हम कह सकते हैं कि इंतजार करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं बदलाव संभव है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करते, क्योंकि तरीके से अगर आदित्य सुरजेवाला की हम बात करते तो उनके द्वारा कहा गया कि चाहे 3-4 दिन और समय लग जाए, समय लग जाए, मगर एक सही डिसीजन भी नेता प्रतिपक्ष में लिया जाएगा। एक अच्छी बात है प्राजिता इस दौरान ये भी रही कि जो पहली बार विधायक चुन के आए हैं, जो नए विधायक हैं, उनकी तरफ से एक मांग जो है वो की गई या एक बात जो है वो उठाई गई कि ट्रेनिंग जो है नए विधायकों को पूरी मिलनी चाहिए, सेशन की उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि सत्र जब भी आगे चले तो उसमें वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट जो है वो कर सके। बिल्कुल देखिए, अगर बात की जाए चाहे जस्टी तेजवाल की हम बात करते हैं, विकास शर्मानंद की हम बात करते हैं, सबसे पहले वो चुन कराए हैं, पहली बार वो विधानसभा पहुंचे हैं और जिसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि बिल्कुल अगर इस तरह की जो इनिशिएटिव ली जाती है तो सबसे पहले मीडिया अटेंडेंस फुल होगी, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि तमाम चीजों को सिखाया जाए, अपने वरिष्ठ से सीखना, अपने सीनियर लीडर से सीखने में एक इंसान और बेहतरीन तरीके से खेलकर उठता है, तमाम चीजों का जिक्र कहते हुए नजर आए, तो हम कह सकते हैं कि जो 40 नए जो विधायक आए हैं, जो बहुत एक्साइटमेंट भी कहना के अंदर इन चीजों को, इन इनिशिएटिव को देख करके दिख रही है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी कहा गया कि बिल्कुल इस तरह के इनिशिएटिव बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है ताकि जो विधानसभा का जो सत्र है वो एक सुचारू रूप से चले, क्योंकि अगर कोई नए आते हैं तो कुछ चीजें सीखने में उन्हें समय लगता है, तो अगर पहले से ही चीजें सीखने के बाद अगर वो विधानसभा सत्र में अब आते हैं, जो अगला विधानसभा सत्र रहने वाला है, उम्मीद की जा रही है कि दीपावली के बाद रहेगी तो बेहतरीन तरीके से सुचारू तरीके से तमाम चीजें होती हुई नजर आएगी और समय कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। अपराजिता इनेलो के विधायकों का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, अर्जुन चौटाला का भी अगर जिक्र करें, आदित्य देवीलाल डबवाली से विधायक बने हैं, दोनों ही हरी पगड़ी में नजर आए इस दौरान सत्र में, हरी पगड़ी पहनकर पहुंचे, कहीं ना कहीं एक हम झलक कह सकते हैं कि अगर उनके अगर हम फोर फादर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक झलक देखने को मिला जिस तरीके से वो हरी पगड़ी में जिस तरीके से हमने उन्हें देखा, चाहे हम ओमप्रकाश चौटाला की बात करते हैं तो देवीलाल की बात करते हैं तो एक हरी पगड़ी उनके सर पर यहाँ पर नजर आती थी, तो कहीं ना कहीं वही रिजेंबल्स यहाँ पर देखने को मिला था जब वो लोग आए थे गोपनीयता की शपथ लेने के लिए, जब साइन करने के लिए वो आए थे तो हमने देखा किस तरीके से बिल्कुल एक हरियाणवी अटायर में वो नजर आए थे, एक हरी पगड़ी में थे, साथ ही धोती पहना हुआ था, कुर्ते पहने हुए थे, तो बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि एक डेडिकेशन उनके द्वारा अपने दादा अपने परदादा को उनके उन दोनों के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है वो काफी हम सहते हुए सराहनीय था, तो बिल्कुल इनेलो के दो नेता पहुंचे हैं विधानसभा चंडीगढ़ तक पहुंचे हैं वो दोनों, और दोनों यहाँ पर पहुंचने के बाद अपनी जो हम कह सकते हैं कि जो उनकी लेगेसी है उसे यहाँ पर बरकरार उनके दोनों के द्वारा रखा गया है। जी अपराजिता, देखिए नए विधायकों का भी हम जिक्र कर रहे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनके अंदर एक अलग उत्साह दिखा था, और इसी कड़ी में अगर हम विनेश फोगाट का भी यहां पर जिक्र करें, वो आई, उन्होंने शपथ ली और एक नारा उनकी तरफ से जो दिया गया उसमें उन्होंने जय किसान जय खिलाड़ी का अपने नारे में जय खिलाड़ी का भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया, वो कहती नजर आई कि जय जवान जय किसान और जय खिलाड़ी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर उस नारे की हम बात करते हैं तो आमूमन क्या जाता है किसान जय संविधान या जय विज्ञान इस तरह की चीजें कही जाती है, मगर जिस तरीके से विनेश फोगाट खिलाड़ी चेहरा है और यहाँ पर युवा भी हैं, पहली बार विधानसभा पहुंची हैं और खिलाड़ी चेहरा हैं, और साथ ही जिस तरीके से एक इनके द्वारा भी कहा गया था कि मैं विधानसभा पहुंचूंगी, तो किस तरीके से एक हम देख सकते, साथ ही यहाँ पर सृष्टि जी हम भाई हरी
अर्जुन और अजय किशोर लाला दोनों पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से हरीश पगड़ी और मोदी जो रिजर्वेंस है, जो एक लेगेसी है वो बरकरार रखा हुआ है, उनसे भी हम बातचीत करने के अलग प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर बात की जाए गणेश फोगाट की, तो बिल्कुल उनके द्वारा भी जिस तरीके से जिक्र किया गया था, तो कि बिल्कुल खिलाड़ी चेहरा है और कोशिश रहेगी कि जो नया जो युवा पीढ़ी है उन्हें और भी मोटिवेट कर सके, चाहे महिला हो जाए या फिर युवा हो जाए, लड़के हो जाए, सभी को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश उनके द्वारा रहेगी और कोशिश की जाएगी कि जो जो दो लड़कियां हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। तो बिल्कुल इस तरह देखिए उनके द्वारा उनके स्पीच में कहना चाहिए जिस तरह से देखने को मिला, तो एक एक साइन हम कह सकते हैं उनके द्वारा दिया गया है कि वो खिलाड़ियों के साथ है। जो भी जिस तरह से उनकी आवाज उन्होंने उठाया था, चाहे जंतर मंत्र की हम बात करते या फिर वो ओलंपिक्स में गई थी, तो जिस तरह से उनके द्वारा आवाज उठाई गई थी, एक साइन दिया गया है, किसी के साथ भी इस तरह की चीजें होती है, किसी को भी तकलीफ होती है, यानी स्पोर्ट्स में अपना करियर स्टार्ट करने में कोई करने में दिक्कत होती है, तो वो उनके पास आ सकती है कहना चाहिए एक साइन देते हुए विनेश फोगाट नजर आए। बिल्कुल अपराजिता, देखिए रवि कालरमन ने और आपने भी दोनों ने ही कुछ विधायकों से बातचीत भी की, कितने उत्साहित जो हैं विधायक नजर आ रहे हैं और नई सरकार में, क्योंकि अब सभी विधायक जो हैं वो भी अपना काम करेंगे, सभी ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, क्या कुछ प्रायोरिटीज इनकी रहेंगी और कितने उत्साहित हैं जब आपने बातचीत की तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया ये भी बताइए। ठीक है, नव निर्वाचित जिस तरीके से विधायक आए हैं, नए विधायक जो पहली बार जो विधायक आए थे, उन्होंने डिब्यू किया है इस बार, उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, या कहीं ना कहीं गलत नहीं किया जाता कि एक युवा जो खून होती है उसके अंदर एक डेडिकेशन होती है, एक बदलाव होता है और जिस तरह का कामकाज वो भी अनुभव के साथ युवा भी बहुत जरूरी होता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से युवा नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि जनता ने मुझे प्यार दिया है, विश्वास मुझ पर जताया है और विश्वास पर मैं खड़ा उतरता हुआ खड़ा उतरती भी नजर आऊंगी, ये चीजें बिल्कुल वो लोग कहते हुए आ रहा है और काफी उत्साहित है अपने कामकाज को लेकर के। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि दोनों के द्वारा उन तमाम नेताओं के द्वारा जिस तरीके से शपथ दी गई है, उनके द्वारा एक विश्वास भी है और लोगों के अंदर जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि आस्था है उन लोगों को लेकर के, उस विश्वास उन लोगों को लेकर के, उस पर वो लोग पूरी तरीके से खड़ा उतरने पर कोशिश में वो लोग बिल्कुल लगे हुए हैं और एक्साइटमेंट भी काफी सुशील देखने को उनके अंदर मिल रही है। सभी विधायक जब अपनी अपनी बात रख रहे थे इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठे और कहीं ना कहीं एक चुटकी लेते नजर आए वो, जब उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि आपका सत्र जो है शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा, बस आपको दो लोगों पर ध्यान रखना है, उसमें एक अनिल विज का और महिपाल ढांडा का नाम उन्होंने लिया। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अनिल विज और महिपाल ढांडा का नाम लिया, हालांकि जिस जब महिपाल ढांडा ने एक्सक्लूसिवली से बात की उनके द्वारा कहा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मगर उस पर जब कहा गया कि मगर लाइमलाइट में आप रहते हैं तो कहते हैं मैं काम करता हूं, सामने वाले लोग मुझसे जलते हैं, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं उनके द्वारा कही गई और साथ ही ये कहा गया कि मैं कुछ नहीं करता, विपक्ष जो है वो करता है, यानी विपक्ष जो अनुशासन साथी हमारे साथ